कर्नाटक भर के गन्ना उत्पादक 5 अक्टूबर को बेंगलुरु में विधान सौधा की घेराबंदी की योजना बना रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP में 2850 रुपए प्रति टन से 2900 रुपए प्रति टन की मामूली बढ़ोतरी की समीक्षा करने का दबाव बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने हाल ही में गन्ने के लिए FRP 10% चीनी की रिकवरी दर 2900 रुपए प्रति टन तय की है। कर्नाटक गन्ना उत्पादन संघ के अध्यक्ष पुरबुर शांता कुमार ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को कम बताया है। शांता कुमार ने केंद्र से यह जानना चाहा कि FRP 2900 रुपए प्रति टन तय करने के पीछे का तर्क क्या है, जबकि कृषि विभाग ने उत्पादन लागत 3200 रुपए प्रति टन होने का अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा कटाई के लिए मौजूदा दरों का मजदूरों का भुगतान खर्च, उर्वरक की लागत और परिवहन शुल्क बढ़ गया है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार बढ़ोतरी के बाद गन्ने के लिए अब वैज्ञानिक FRP कैसे तय कर सकता है। शांता कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को FRP को 3500 रुपए प्रति टन तय करना चाहिए। शांता कुमार का कहना है कि कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों के किसान बेंगलुरु में इकट्ठा होंगे और 5 अक्टूबर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए विधान सौधा की घेराबंदी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।